Hello students, I am going to start today's video with topic liquid fuels. Liquid fuels are those type of fuels which exist in liquid state at room temperature. I repeat, liquid fuel वैसे fuel होते हैं जो कि room temperature पे liquid state में exist करते हैं. Examples of liquid fuels are kerosene, petrol, diesel, etc. These fuels are obtained from petroleum or crude oil. ये सारे fuels जो liquid fuels की मैंने बात करी ये crude oil या petroleum से obtain किए जाते हैं. And ये liquid fuels actual में hydrocarbons के mixture होते हैं. Hydrocarbons are mixture of carbon and hydrogen. Hydrocarbons के बारे में आप higher classes में detail में पढ़ोगे. Next is extraction of petroleum. Petroleum की extraction कैसे होती है उसे हम देखेंगे. पेट्रोलियम इज़ द लाइफ लाइन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. किसी भी मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी अभी की जो हमारी सभ्यता है उसमें पेट्रोलियम एक लाइफ लाइन है. पेट्रोलियम डेंस डार्क ऑयली लिक्विड होता है एंड इसकी ऑर्डर अनप्लीजेंट होती है. इसको रॉक से बनाया जाता है एंड ये वाटर में इनसॉल्युबल होने की वजह से उस पर फ्लोट करता है. ओके किसी भी नेशन की इकोनॉमी पेट्रोलियम वेल्थ पे डिपेंड करती है. जितनी ज़्यादा पेट्रोलियम होगी उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी. इसी वजह से पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. पेट्रोलियम टू वर्ड से मिलके बना है, पेट्रा और ओलियम. पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल. पेट्रोलियम अर्थ क्रस्ट के नीचे रॉक्स के अंदर एंट्रैप्ड होता है. Petroleum was formed from the remains of marine plant and animals buried in muddy sediment at the bottom of sea millions of years ago. Petroleum किस तरीके से बनता था? Sea में जो plants होते हैं and animal होते हैं वो sea के sediment में दबते चले जाते हैं and millions of year तक दबे रहने के बाद petroleum बनता है. पेट्रोलियम एक नेचुरल प्रोडक्ट है एंड उसे ऑयल वेल से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं. पेट्रोलियम यूजुअली सेडिमेंट्री रॉक से ऑब्टेन किया जाता है. ये पेट्रोलियम ऑयल वाटर सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल के साथ मिक्स होता है क्योंकि ये ओशन में पाया जाता है. नेचुरल गैस अकर्स अबव द पेट्रोलियम अंडर द रॉक. सबसे पहले नेचुरल गैस होता है एंड सर्वे करने के बाद हम अर्थ क्रस्ट पे होल्स को ड्रिल करते हैं. जैसे ही हम ड्रिल करते हैं नेचुरल गैस सबसे पहले बाहर निकलता है विद ग्रेट फोर्स और वी कैन से विद ग्रेटर प्रेशर. जैसे ही प्रेशर उसका कम होता है क्रूड ऑयल पंप आउट होने लगता है वेल से. क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है एंड पेट्रोलियम को सेपरेट किया जाता है बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस. And the different constituents of this distillation process is called fraction of petroleum. क्योंकि जब पेट्रोलियम का को हम रिफाइन करते हैं तो उससे different different type के fuel निकलते हैं तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है fraction of petroleum. Okay? Different fraction boil at different temperature. अलग अलग fraction different temperature पर निकलते हैं boil होते हैं. Clear है? And the process of fractional distillation takes place in tall tower. ये जो fractional distillation की process होती है वो tall tower में होती है. Crude petroleum oil is heated to about 400 degree Celsius. Crude petroleum oil को करीब करीब 400 degree Celsius पे heat किया जाता है and जो vapor बनते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं यानी fractionating column में चले आते हैं. जैसे ही वेपर ऊपर आते हैं टेम्परेचर ड्रॉप करता है एंड वेपर कंडेंस्ड होके लिक्विड बना देते हैं. क्लियर? हायर बॉइलिंग फ्रैक्शन कंडेंस फर्स्ट. वैसे फ्रैक्शन जिनकी हायर बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे पहले कंडेंस्ड होते हैं जबकि लो बॉइलिंग फ्रैक्शन ऊपर की तरफ राइज करते हैं एंड लेटर मीन्स बाद में कंडेंस होते हैं. पेट्रोलियम इज ऑब्टेंड एट 30 डिग्री टू 120 डिग्री सेल्सियस.
पेट्रोलियम हमें किस टेम्परेचर की रेंज में मिलता है? 30 degrees to 120 degrees Celsius. ये स्मोकलेसली बर्न होता है एंड इट इज़ यूज टू रन लाइट व्हीकल्स. इसका यूज़ लाइट व्हीकल्स को चलाने में किया जाता है. क्लियर है? हम लोग इस टॉपिक के बारे में फिर से डिटेल में पढ़ेंगे. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. थैंक यू.